समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज इस बात का मंथन हो रहा है कि निकाय चुनाव में आखिर हार क्यों हुई। इसको लेकर के गोरखपुर मंडल और लखनऊ मंडल की ये बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जिन जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो पहुंच रहे हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं खास तौर पर ये ज़रूरी होगा कि किस तरीके से ये हार हुई और इस हार के पीछे के क्या कारण थे। काजल निषाद जी हमारे साथ में है, गोरखपुर से प्रत्याशी थी। काजल जी, आज मंथन हो रहा है, प्रमुख एजेंडा क्या है इस बैठक को लेकर? वो हम बताएंगे नहीं, बाहर आकर बताएंगे, पता चल जाएगा ना। वो एजेंडा हम बाहर आकर बताएंगे, समीक्षा करेंगे, चुनाव अगले चुनाव की रणनीति तय करेंगे। इस चुनाव में जो 3-5 हुआ है उस पर भी बैठक करेंगे और हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 3-5 कैसे हुआ है चुनाव में, आपका बड़ा आरोप है ये। 3.5 लाख ही वोट पड़े थे, 3,62,000 ही कुल मत पड़े थे, तो कैसे बता दिया कि 4.25 लाख पड़े, कैसे बता दिया? कैसे आखिर में भारतीय जनता पार्टी के तुरंत 1 लाख वोट बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? तुरंत लाइट बंद होती है, जमुना जी में जैसे लाइट बंद हुई थी, जमुना जी को हराया था। मैं भी उसी निषाद समाज की हूँ। निषाद समाज तो मार खाने के लिए बना है, निषाद समाज आरक्षण के लिए नहीं बना, वो गाली खाने के लिए बना, वो वोट देने के लिए बना, वो पद के लिए नहीं बना। आपको लगता है यही एक कमी रह गई है या संगठन की भी कुछ कमियाँ होंगी जिस पर काम करना पड़ेगा? 24 भी आगे तैयार है, तैयारी हो रही है जिसको लेके। ठीक है, एक बात बताइए, आखिर में लाइट जाए और 1 लाख प्रत्याशी के बढ़ जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें संगठन का क्या लेना देना, उसमें जनता के वोट का भी क्या लेना देना? मेहनत हमने की, जनता परिवर्तन करना चाहती है, जनता ने वोट दिया परिवर्तन के लिए, जनता के वोट का महत्व ही नहीं है, जनता के साथ मजाक, गंदा घटिया मजाक खेला जा रहा है। जनता ने जो वोट दिया वो निष्पक्ष और पारदर्शिता रखते ना तो जो भी निर्णय आता मेरे सराखों पर होता। अगर मुझे 50,000 भी कम वोट पड़ता या 1 लाख भी कम वोट पड़ता, मुझे मात्र सिर्फ 5,000 भी वोट पड़ता ना, तब भी मेरे सर आँखों पर, वो मेरी जनता का सही मायने में आशीर्वाद है। लेकिन 3-5 करके मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता का आशीर्वाद है, कैसे मानूं कि मेरे संगठन की, मेरे संगठन की क्या गलती, जब उनके हाथ में सारी मशीनरी है, जब मंत्री मंत्री संतरी अधिकारी प्रशासन उनके हाथ में है, तो इसमें संगठन का क्या लेना देना? बिल्कुल, तो इसके लिए मैं लड़ूंगी। बिल्कुल, बड़ा आरोप लगाया है और ये बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी में आज इस बात का मंथन भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो नतीजे आए, नगर निगमों में 17 नगर निगम में वापसी की बीजेपी ने, तो वही नगर पालिका में भी आंकड़ा बीजेपी का आगे रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के लगातार इस चुनाव के बाद बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके के वोटों की हेरफेर की गई, खुद काजल निषाद जिनसे हमने बात की 3-5 करने का आरोप लगा रहे हैं और सीधे तौर पर प्रशासनिक अमले पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि इसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विपक्ष का बड़ा चैलेंजर माना जाता है और एक चैलेंजर के नाते क्या वाकई में पार्टी इस हालत में है, कहीं ना कहीं उसी की समीक्षा और आने वाले चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा होगी उसके इर्द गिर्द आज की बैठक नजर आती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।